मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर आई मुस्कुराहट। साइबर सेल ने 3 लाख से अधिक के किए मोबाइल जब्त। नमस्कार, समाचार विस्तार से। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, मुस्कुरा रहे थे और धन्यवाद दे रहे थे। इस बात को लेकर वह प्रखंड थे कि उनके खोए हुए मोबाइल वापिस हो गए। साइबर सेल की मदद से यह मोबाइल पकड़े गए। लगभग 3 लाख रुपए के ये मोबाइल थे और इन मोबाइलों को वापिस किया गया। मोबाइल धारकों को क्रम से बुलाया गया स्थानीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह ने यह मोबाइल धारकों को वापिस किए और फिर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। धन्यवाद दे रहे थे पुलिस को और कह रहे थे कि पुलिस ने हमारे खोए हुए मोबाइल को दिलवा दिया, पकड़ दिया चोर को। इस अवसर पर हमने चर्चा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह से, क्या कहना है उनका, आइए सुनवा। तो ये आज बहुत सारे लोगों को मोबाइल वितरित किए गए हैं और उनके चेहरे पे काफी प्रसन्नता देखी जा रही है। किस प्रकार का वितरण है, क्या है आज? ये हमारे साइबर सेल में बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया था कि हमारा मोबाइल जो है गुम गया, गिर गया। तो हमारे जो साइबर सेल है अपने प्रयासों से उन मोबाइलों को ढूंढा और उन मोबाइल धारकों को वापस किया गया है। इस तरह के काम साइबर सेल लगातार कर रही है। लगभग कितने लोगों को मोबाइल वितरित किए गए? अभी लगभग 30 लोगों को हम लोगों ने मोबाइल वापस कर चुके हैं। लगभग कितने रुपए की ये मतलब मोबाइल होगी? अब लगभग 1 लाख रुपए की मोबाइल डेली वापस कर रहे हैं हम। और अभी भी साइबर सेल के द्वारा ये काम जारी है। तो मित्रों, सुना आपने, ये थे शिव कुमार सिंह, पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं दमोह के, और इन्होंने पूरी जानकारी दी कि इस प्रकार मोबाइलों को पकड़ा गया और किस प्रकार वितरण की जा रहा है, मोबाइलों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं नए समाचार के साथ। नमस्कार।